हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका चैनल लेटेस्ट टिप पर। दोस्तों, 2-3 दिन से मर्चेंट अकाउंट क्रिएट होना बंद था, क्योंकि जो मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर रहा था वो अभी काम छोड़ दिया है। मर्चेंट क्यों काम छोड़ दिया है वो बाद में बताऊंगा। अभी एक मर्चेंट हम लोगों के साथ जुड़ चुका है, जो आप लोग को कल से न्यू अमेजन मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करके देगा। जिनका पहले से पेंडिंग था उन लोगों का पहले होगा, जो न्यू न्यू रिक्वेस्ट भेजेगा उन लोगों का बाद में होगा। कुछ दोस्त लोग मुझे पूछ रहे थे अमेजन मर्चेंट अकाउंट का जो ऑफर है वो कब तक चलेगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले अमेजन का जो ऑफर चल रहा है अभी बता देता हूँ। आप साइड में भी देख सकते हैं, अमेजन पर चल रहा है आपको पर डे 20 रुपीज करके मिलेगा। आपको 4 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए आपको पर डे 28 रुपीज करके मिलेगा। मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू होना चाहिए 30 रुपीज। आप एक काम करना, जब भी आप अमेजन मर्चेंट QR कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करोगे, डिफरेंट पेमेंट एक्सेप्ट करना। सपोज आप एक दोस्त से 30 रुपीज लिया और एक दोस्त से 40 रुपीज लिया, ऐसे करके आपको डिफरेंट पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जो पेमेंट एक्सेप्ट करोगे इसी के लिए आपको पर ट्रांजेक्शन 7 रुपये करके मिलेगा। जो कैशबैक आएगा वो आपको 3 वर्किंग डेज के अंदर मिलेगा। आपका जो अमेजन पे बैलेंस का वॉलेट है वहाँ पर आपका कैशबैक शो करेगा। अभी आता हूँ अमेजन मर्चेंट का जो ऑफर है वो कितने दिन तक चलेगा। वो जो अमेजन मर्चेंट का ऑफर है वो 30 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये एक्सटेंड हुआ तो अगली वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करूँगा। अभी आता हूँ जो मर्चेंट बॉय था वो काम क्यों छोड़ा। पहले जो मर्चेंट बॉय अमेजन मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करके दे रहा था, जब भी आपका मर्चेंट अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो रहा था उसी समय आपको एक शॉप का नेम और एड्रेस भेजा गया था, और आप लोगों को बोला गया था जब भी अमेजन मर्चेंट अकाउंट के तरफ से कोई वेरिफिकेशन कॉल आए तो भेजा गया नेम और एड्रेस बोलना था। तभी आपको भेजा गया था शॉप का नेम और एड्रेस वही बोलना था, मगर आप लोगों ने क्या किया, अपना जो एड्रेस वो बोल दिया। अमेजन के तरफ से पूछा जा रहा था आपका शॉप है कि नहीं, आपने बोला नहीं है, इसीलिए अमेजन का तरफ से एक स्ट्राइक मिला, मर्चेंट काम छोड़ दिया। जो दोस्त ने ऐसा गलती करेगा उसको कैशबैक भी नहीं मिलेगा और उसका मर्चेंट अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। कल से जिसका मर्चेंट अकाउंट क्रिएट होगा उसको उसका शॉप का नेम और एड्रेस भेज दिया जाएगा। अगर अमेजन मर्चेंट अकाउंट के तरफ से कोई वेरिफिकेशन कॉल आए तो भी शॉप का नेम और एड्रेस बोलना है। और एक चीज़ दोस्तों, जो दोस्त ने सेल्फ अमेजन मर्चेंट अकाउंट क्रिएट किया था उसका मर्चेंट अकाउंट एजेंट से वेरीफाई नहीं होगा। जो अभी तक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा उनका मर्चेंट अकाउंट एजेंट द्वारा वेरीफाई हो जाएगा। अमेजन मर्चेंट अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अमेजन पर रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे अमेजन का मोबाइल नंबर और पासवर्ड देने से आपका मर्चेंट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ये नहीं दोस्तों। अमेजन के तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन OTP भेजा जाएगा, आपको वही OTP हमारे WhatsApp में सेंड करना पड़ेगा। अभी तक जो दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, नया नया वीडियो का अपडेट पहले पाने के लिए।